दोस्तों, आमतौर पर ये माना जाता है कि चीनी के ज्यादा सेवन से डायबिटीज हो जाती है, मगर आपको बता दें कि चीनी का ज्यादा सेवन डायबिटीज ही नहीं, आपको दिमाग की भी कई बीमारियां दे सकता है। चीनी कैसे करती है दिमाग को प्रभावित? चीनी का सेवन दिमाग के लिए खतरनाक है। जब हम चीनी खाते हैं तो हमारा मस्तिष्क बड़ी मात्रा में डोपामाइन हार्मोन पैदा करता है। डोपामाइन फील हैप्पी हार्मोन है, यानी इस हार्मोन के कारण आपको अच्छा महसूस होता है। इसीलिए चीनी खाना ज्यादातर लोगों, खासकर बच्चों को अच्छा लगता है। आप जितना अधिक चीनी का सेवन करते हैं, आपको दिमाग में उतना ज्यादा डोपामाइन का निर्माण होता है। हालांकि अच्छा महसूस होने की प्रक्रिया केवल 15-20 मिनट चलती है, मगर डोपामाइन मस्तिष्क में काफी देर तक सक्रिय रहते हैं। एक स्तर से ज्यादा डोपामाइन हो जाने के कारण दिमाग असंवेदनशील हो जाता है और आपको मस्तिष्क संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आने लगती हैं। ज्यादा चीनी के सेवन से दिमाग की किन बीमारियों का खतरा? ज्यादा चीनी का सेवन दिमाग की अतिसंवेदनशील न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बनता है। इसके कारण आपको डिप्रेशन यानी अवसाद, स्ट्रेस यानी तनाव की समस्या होना आम है। कई मामलों में इसके कारण लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी दिमाग की खतरनाक बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। चीनी के ज्यादा सेवन से दिमाग के सीखने की क्षमता कम हो जाती है और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। सफेद चीनी है खतरनाक? भारत में सबसे ज्यादा सफेद चीनी का सेवन किया जाता है। चिकित्सकों के मुताबिक सफेद चीनी धीमे जहर के समान है, क्योंकि ये चीनी प्रोसेस्ड होती है। इस चीनी का लगातार सेवन आपके पाचन तंत्र के लिए खतरनाक है। महिलाओं में सफेद चीनी के लगातार सेवन से हार्मोन्स असंतुलित हो सकते हैं। बाजार में उपलब्ध अधिकांश प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में खूब सारी चीनी मिलाई जाती है, ताकि हम केचप, दही, पेस्ट्री और इसी तरह के अन्य प्रोडक्ट अधिकाधिक उपभोग करने के लिए प्रेरित हों। सिर्फ सफेद शुगर नहीं है खतरनाक। आमतौर पर शुगर कहते ही हम सिर्फ सफेद चीनी समझ लेते हैं, मगर आपको बता दें कि चीनी के अलावा दूसरे स्रोतों से प्राप्त होने वाला शुगर भी आपके लिए खतरनाक है। चीनी के अतिरिक्त शुगर हमें प्रोसेस्ड फूड्स में जैसे ब्रेड, फ्लेवर्ड मिल्क, दही, पैकेट बंद जूस, पैकेट बंद मीठे आहार, चॉकलेट्स, एनर्जी बार, केचप आदि से भी मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे अधिक चीनी खाने से दिमाग के लिए हो सकता है खतरा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।